बूटस्ट्रैप के सीरीज़ में हम लोग कल एक एग्जांपल देखे थे, आज हम लोग उस बूटस्ट्रैप के सीरीज़ में एक नया कंपोनेंट स्पिनर देखेंगे। कैसे काम करता है वो देखने से पहले इसको नॉर्मली पहले समझते हैं, इसका बेस क्या है। स्पिनर और उसमें बॉर्डर, स्पिनर डैश बॉर्डर, ये इसका बेस है। और उसके बाद जो कलर का चाहिए उसमें टेक्स्ट कलर डिस्कस करना होगा, यानी कि यहाँ पर कलर का नाम टेक्स्ट कलर, जो भी कलर आप जानते हैं वो सारे के यूज़ कर सकते हैं। और यही छोटा सा काम से आपका काम हो जाएगा। अगर आप ग्लो कराना चाहते हैं, इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं, तो वेरिएंट्स की बात कर लें तो स्पिनर बॉर्डर वाला नहीं, ग्लो भी करा सकते, ग्रो, ठीक है, स्पिनर ग्रो। इस तरीके से कर सकते हैं, साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अगर साइज़ वेरिएंट की बात करें तो हम लोग के पास ऑप्शन होता है स्पिनर डैश, मान लो बॉर्डर के साथ हैं तो SM स्मॉल के लिए, और कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक नोट में लिखिए वी कैन चेंज द साइज यूजिंग विथ प्रॉपर्टी। CSS का जो प्रॉपर्टी विथ है उससे भी साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो एक छोटा सा कंपोनेंट है जो बहुत ही काम आएगा और बहुत ही इंट्रैक्टिव डिज़ाइन कर सकता है। तो पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो ये सामने एक एकदम रॉ HTML फाइल है जिसमें हम लोगों को पहले बूटस्ट्रैप सेटअप कर लेना है। तो बूटस्ट्रैप सेटअप करने के लिए वेबसाइट है getbootstrap.com, और यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करके getbootstrap.com और नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लिंक है CSS का, जिसे हम कॉपी कर लेंगे, CDN कॉपी कर लेंगे और ये हेड सेक्शन में डाल देंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला स्क्रिप्ट होता है उसे हम बॉडी टैग से जस्ट ऊपर डाल देंगे, यानी कि यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको स्पिनर दिखाते हैं हम कैसे काम करता है। तो नाम है स्पिनर डैश बॉर्डर, ये देखिए। अब आप इसमें स्पिनर डैश बॉर्डर के बाद जो कलर का चाहते हैं, पहले तो मैं बिना कलर के ही दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। ये छोटा सा चीज़ है, इसमें एक चीज़ बताना होता है, रोल क्या है इसका। तो रोल बता दीजिए कि रोल है यहाँ पे स्टेटस इसका, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि आप है ना कोई चीज़ में बदलाव करते हैं तभी लोडिंग होता है, तभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। लाइव करके देखिए, देखिए तो ये है स्पिनर, स्पिन हो रहा है इसलिए स्पिनर कहते हैं इसे। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, टेक्स्ट डैश डेंजर, मतलब बैकग्राउंड कलर नहीं लगाइएगा, टेक्स्ट कलर लगाइएगा। तो आप डेंजर, इन्फो, वार्निंग, जो भी आपको आता है वो आप सब लगा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सक्सेस और डार्क और लाइट, इस तरह से। तो आप सब कलर का देख सकते हैं। तो ये स्पिनर्स हैं, इसके साइज़ को आपको बढ़ाना है अगर, तो हम आपको बहुत अच्छा रिकमेंडेशन करते हैं कि आप इसमें इनलाइन CSS डाल दीजिए विथ, और आपको कितना चाहिए तो 3 REM कर दीजिए। एक मिनट, 30 पिक्सल, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। अच्छा, लाइट का किया, लाइट नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस स्टाइल को, इन लाइन को किसी और में डाल देता हूँ, सक्सेस में डाल देता हूँ, ठीक है। अब आपको ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो ये वाला देख लो, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अच्छा सॉरी, ये विथ खाली देने से नहीं होगा, विथ और हाइट भी तो देना पड़ेगा। हाइट 30 पिक्सल, विथ और हाइट दोनों। और थ्री आर ई एम मान लो विथ हो गया, 3 REM मान लो, कुछ तो हुआ चाहिए नहीं,
ओ थ्री लिखना भूल गया, देखो साइज बढ़ा। तो ये बेसिकली पिक्सल ना देकर आरईएम देना, ठीक है। और यहाँ पे विथ और हाइट से इसका स्क्वायर शेप ध्यान रखना, विथ जितना हाइट उतना रखना, नहीं तो ओवल बन जाता है और ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ऐसे माइनर से छोटा करने के लिए पूरा प्रॉपर्टी है आपके पास। तो आपके लिए लिखना होगा स्पिनर डैश बॉर्डर डैश एसएम, इससे क्या होगा साइज छोटा हो जाएगा। देखो रेड वाला को देखो, ठीक है। तो एक होता है स्पिनर जो हम आपके सामने रखा है, एक होता है ग्रो, तो वो भी देख लो। तो इसका कलर हम डेंजर डालते हैं, लाल रंग का ग्रो बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे जैसे ग्रो होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक लोडिंग का साइन है और ये भी एक लोडिंग का साइन है, दोनों ही लोडिंग का साइन है और दोनों ही काम करता है। तुम इसका साइज़ में चेंजेस कर सकते हो और इसको भी बड़ा या छोटा करना है तो सेम इस सीएसएस लगाकर विथ मान लो 5 आरईएम और उतना ही हाइट 5 आरईएम, ठीक है। ठीक है, तो ये है ग्रो और ये है बॉर्डर। तो ये सारे एग्जांपल आपके पास हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा। ये छोटा सा कंपोनेंट आपके बड़े काम का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।